सीधे हम लोग मुद्दे की बात पर या काम की बात पे आ जाएं और मन की बात भी होगी। ये सवाल अक्सर उठता है कि आप लोगों ने ये आइडिया कैसे आया, और अदर देन दी फैक्ट कि हम तीनों अलग अलग जनरेशन से हैं, हमारी एक्चुअली बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है। मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट तकरीबन मैं है 4 साल से हूँ, उससे पहले मैं 20 साल तक भारतीय सेना में अधिकारी था। अंकुर मेरे मित्र ये एक MBA हैं और उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है जर्नलिज्म में आने से पहले। सीमा तो ऑफ कोर्स जानी मानी जर्नलिस्ट हैं, तो हम लोग अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं, अलग अलग दिशा से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। और ये किताब जिस तरह से विजुलाइज की, जिस तरह की तरकीब सोची जाए जिससे कि ये NCERT टेक्स्ट बुक बोरिंग किताब ना बने, तो ये तरकीब थी कि हम ऐसा सोचें कि एक ट्रैवलॉग हो, एक जो हमारा सफ़र है भारत का पिछले 70 साल का, उसमें पीछे गाने बज रहे हैं, तो गानों से आपकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं और उन मेमोरीज से उस वक्त जो चीज़ें हुई पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, साइंटिफिकली, उनको हम रिलेट करें, उनको हम जोड़ें। अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आँखों में रंगो भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं था कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में, जब तू नहीं था कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में, जी चाहता है मुझे, जी चाहता है मुझे ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही। इसे हमने इसलिए चुना क्योंकि इसमें एक तो बहुत एक खिलखिलाता हुआ एक गाना है जिस जो आज भी गूंजता है हमारे कानों में, और इसमें अफसाना का जिक्र है, तो द इंडिया स्टोरी यानी एक अफसाना शुरू हो रहा है भारत का, अपनी ही जर्नी वो एक स्टार्ट करता है 1947 में, इसलिए हमें लगा कि ये बड़ा एप्ट रहेगा। जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी का फर्क था, वो फर्क ये था कि कांग्रेस पार्टी में ऑलरेडी बहुत सारे प्लान्स थे, जबकि मुस्लिम लीग के पास पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी चीज नहीं थी। बहुत कम लोगों को पता है कि 1948 में ही लेबर लॉज भारत ने रिफॉर्म कर दी थी, या मिनिमम वेजेस है जो न्यूनतम मजदूरी का कानून है वो 1952 का इंतजार नहीं करता है, वो 1948 में ही आ जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज होता है 1948 से लेके 1949 के बीच में। कश्मीर के ऊपर घमासान युद्ध होता है जिसमें के दोनों तरफ की सेनाएं पूरी तरह से खप जाती हैं, इंटरनेशनल इशू बन जाता है, हैदराबाद वगैरह के साथ भी सिचुएशन चल रही है। ये उन दो सालों में सब और भी एक और बड़ा मुद्दा था। भारत का संविधान बनता है उन सालों में, और वो संविधान है जिसकी वजह से जो भारत की आज शक्ल है, जो भारत का स्वरूप है, जिस तरह का हिंदुस्तान हम देखते हैं बना है, वो संविधान की वजह से ही बना है। पचास का दशक वो दशक था जब भारत की फिल्म इंडस्ट्री में तीन बड़े जगमग सितारे थे, जो हीरो थे, जो कि राज कपूर थे, दिलीप कुमार थे और देवानंद थे। नेहरू का जिक्र शायद इसलिए ज़्यादा होता है, ज़्यादा इज्जत से होता है, क्योंकि कई लोग महज क्रांतिकारी होते हैं, लेकिन क्रांतिकारी की भी भूमिका बखूबी निभा कर, इतने साल लगभग एक दशक जेल में बिता कर, उसके बाद आकर एडमिनिस्टर करना, नींव रखना एक नए देश की, ये खासियत थी। और 1950 में हम देखते हैं कि नेहरू कम्स इनटू हिज ओन, जमींदारी ख़त्म होती है इस दशक में, और फिर एक तरह से भारत का जो मैप है इंटरनली वो बदलने लगता है। फिर एक तरह से एक कानून जिसकी हम बड़ी बात करते हैं, आफ्सपा, आर्म फोर्सेस, वो वाला कानून जो है उसकी नींव भी इसी दशक में रखी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भारत के लिए एक बहुत अहम दशक है, क्योंकि हम आज बात करते हैं कि हमारा GDP फला हो गया, और इसी वर्ष समझा जाएगा कि UK का GDP भारत से कम होने वाला है, शायद किसी भी रोज़ खबर आ सकती है, हम बिल्कुल उस कगार पे हैं। लेकिन इस वक्त तो भारत का GDP कुछ नहीं है, हम एक गरीब देश हैं, अभी हम एक इस तरह की कॉलोनियल औपनिवेशिक इस तरह के एक्सपीरियंस से निकले हैं, लेकिन फिर भी भारत कॉन्फिडेंट है, अपनी बात करता है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस करता है, और पूरा पूरा विश्व देख रहा है भारत की तरफ। तो भारत अपने आप को परिभाषित करने में सफल रहता है और एक अलग तरह का अपना चित्र बनाता है वो इस दशक में, जिसमें कि एक वक्त जनरल मैकार्थर बोलते हैं कि अमेरिका के जनरल के न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देना चाहिए चीन के ऊपर, 18 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देने चाहिए,
उसमें ये बात याद रखने लायक है कि भारत इतना गरीब और इतना हल्का होने के बावजूद भी सबसे बड़ा मीडिएटर था। 3 IIT क्रिएट होती हैं उस दशक में। अगर आप देखें तो जितने इंस्टीट्यूशंस को हम आज याद करते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, विविध भारती, इंडिया गेट पे वॉर मेमोरियल, IIT मुंबई, IIT मद्रास, इंपीरियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है, पहला भारत में कंप्यूटर आता है, भारत में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर आता है, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर आता है, UGC बनता है, खादी विकास कमीशन बनता है, HMT, आप लोगों को याद होंगी HMT की घड़ियाँ हम सब ने पहनी है 70-80 के दशक में, वो बनता है उस वक्त। जो साका कैलेंडर है, सक कैलेंडर जो हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं, वो मेघनाथ साहा जो कि इतने बड़े रेनाउंड साइंटिस्ट थे, वो बनाते हैं एक कमेटी हेड करके कि आज़ाद भारत का या संवैधानिक भारत का जो कैलेंडर है वो किस तरह से ब्रिटिश कैलेंडर से दूर होगा और हमारा ऑफिशियल कैलेंडर क्या होगा। पर 1960 का दशक हिंदी फिल्म के संगीत में एक तरह का चेंज का दशक है, जहां पर क्लासिकल गाने भी हैं, मोए पनगट पे नंदलाल छेड़ गयो रे जो कि मुगले आजम फिल्म से ही है। तो दशक के अंत में एन इवनिंग इन पेरिस, जंगली और इस तरह के शम्मी कपूर के काफी वेस्टर्नाइज सॉन्ग्स, तीसरी मंजिल के काफी वेस्टर्नाइज सॉन्ग्स वगैरह भी हैं। आप संगीत में बदलाव की बात कर रहे हैं, 60 का दशक वो दशक था जब भारत की राजनीति में भी बड़े बदलाव हो रहे थे। हम लोग चीन से युद्ध हार गए थे 1962 में और 1964 में हमने नेहरू को खो दिया। पहली बार OBC रिजर्वेशन दिया गया मैसूर स्टेट में, और जो रिजर्वेशन दिया गया था जातिगत आधार पर मैसूर स्टेट में वो 68% हो गया, जिससे कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इसी दशक में, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता किसी भी राज्य द्वारा। 1964 के दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति होती है, एक तरह से सेल्फ सफिशिएंसी, अपने लोगों को खाना दे पाना उसमें सक्षम रहता है भारत। अंतरिक्ष की यात्रा भारत की शुरू होती है इसी दशक में। 1963 में पहला रॉकेट छोड़ा जाता है और डॉक्टर विलियम साराभाई इसरो की स्थापना करते हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग और डेवलपमेंट होता है जो हम लोग अब शिक्षा के एरिया में जानते हैं, 10+2+3 सिस्टम, उसकी नींव भी कोठारी कमीशन जो था आयोग, शिक्षा का आयोग, वो भी इसी दशक में। 1960 के दशक में एक और घटना है जिसके बारे में अभी बात नहीं होती है, और वो घटना है जब मिसेस गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं, उसके बाद पार्लियामेंट पे गौ रक्षा के नाम पर संतों का एक तरह से असॉल्ट होता है। गुजरात इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा 70 के दशक में क्योंकि ऑपरेशन फ्लड, जिसके कारण भारत में दूध का जो उत्पादन है वो बहुत बढ़ गया, वो भी गुजरात में कुरियन ने स्टार्ट किया, वर्गीज कुरियन ने स्टार्ट किया। इस दशक में 1971 भी है जहां पर कि मिसेस गांधी चुनाव जीतती हैं, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाई होती है, वो लड़ाई जीतती हैं। 1973 में मेजर ऑयल क्राइसिस होती है जिसके के बाद प्राइसेस एकदम, इन्फ्लेशन एकदम शूट अप कर जाते हैं। यह वो वक्त भी है जबकि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेती है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1975 बिहार में, आप सबको मेरे से ज़्यादा पता है 1975 में बिहार में क्या होता है, पूरा मूवमेंट होता है, पूरा राशन पूरा काम नहीं तो चक्का जाम का नारा चलता है, कम्युनिस्ट आते हैं, RSS साथ में आती है, कम्युनिस्ट फिर अलग हो जाते हैं क्योंकि RSS और जनसंघ उनके साथ काम कर रहे होते हैं। उसके बाद सरकार, मिसेस गांधी अनाउंस करती हैं चुनाव, सरकार गिरती है, जनता की सरकार आती है, जनता सरकार का डिसअपॉइंटमेंट है थोड़ा सा, मिसेस गांधी की चिकमंगलूर से वापसी है। हम देखते हैं कि 70 के दशक में फिल्मों का विलेन जो है वो स्मगलर बन जाता है, वो सोने की स्मगलिंग करता है, तो ये एक बड़ा बदलाव था जो फिल्म इंडस्ट्री रिफ्लेक्ट कर रहा था कि देश में क्या चल रहा है, चीज़ों की कमियां हैं जिसके कारण लोग नए नए व्यापार ढूंढने में लगे हैं शायद। जाने मेरी मंजिल
1988 में कयामत से कयामत तक आती है और भारतीय संगीत को, भारतीय फिल्मी संगीत को एक नई दिशा देती है। एक नया किस्म का संगीत बनता है और नई किस्म की फिल्में बननी शुरू होती हैं, जो कि रोमांटिक फिल्में हैं, जो कि आगे जाके चलती रहती हैं। 1984 की बात की, 1984 को बहुत लोग मिसेस गांधी की हत्या, राजीव का चुनाव और एंटी सिख राइट्स की वजह से याद करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि 1984 भारत के इतिहास में एक तारीखी साल है। उस साल जितनी घटनाएं होती हैं वो शायद कभी नहीं हुई हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, भोपाल गैस त्रासदी होती है, भिवड़ी में बहुत बड़े दंगे होते हैं, हम लोग ये जो जिंदगी करके टीवी सीरियल वगैरह चालू होते हैं, राकेश शर्मा जो कि एस्ट्रोनॉट थे वो स्पेस में जाते हैं सोयूज T-11 पर सोवियत यूनियन के साथ। और ये वो वक्त भी है जब भारत अपने आप को अजर्ट करने की कोशिश करता है नेबरहुड में, खासतौर पर श्रीलंका में IPKF जाती है, भारत मालदीव्स में जाता है, मालदीव्स में जब उनके राष्ट्रपति को एक कू में हटाया जाता है, भारत अपनी सेना को 2 हवाई जहाजों से भेजता है, वो जाते हैं और उन रेबल्स को हराते हैं और उस राष्ट्रपति को मालदीव्स में दोबारा दे देते हैं। ये वो दशक भी है जबकि भारत में NAM ऑर्गेनाइज होता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें से कि 100 से ज़्यादा राष्ट्रों के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री वगैरह प्रधानमंत्री आते हैं, कॉमनवेल्थ मीटिंग होती है, सार्क पहली बार ऑर्गेनाइज होता है और 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीतता है। कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत जो भारत में हुई वो 1985 के बजट के बाद हुई, जिसका कि नतीजा हम दशक के अंत तक या 90 के दशक में धीरे धीरे जाकर के देखते हैं। पर ये वो दशक भी है जब पंजाब और दशक के अंत तक कश्मीर पूरी तरह से जलने लगता है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ, तेरे रामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा है तेरा बदन, यार रहमान की ये पहली हिंदी फिल्म है रोजा, और उसमें जो जिस तरह का वो म्यूजिक लाते हैं, जिस तरह के लिरिक्स तो कोई बहुत खास नहीं है, लिरिक्स तो ट्रांसलेटेड हैं, पर म्यूजिक और साउंड्स एकदम बिल्कुल नई हैं और वो ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। और उसके बाद इस तरह की भी और भी डिफरेंट न्यू म्यूजिक आना शुरू हो जाता है, चाहे वो विशाल भारद्वाज हों, चाहे वो इस्माइल दरबार हों। और भारत अपना पहला पृथ्वी मिसाइल सरफेस टू सरफेस इसी दशक में दागता है और पहला लिवर ट्रांसप्लांट भी होता है मेडिकल इंस्टीट्यूट में। और भारत न्यूक्लियर पावर भी बनता है, 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करता है, डिक्लेयर न्यूक्लियर पावर। आग है मुझ में कहीं हुई सुबह, मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबर। Oh, shit.
इसके बाद 2010 के बाद हिंदी फिल्म म्यूजिक का वो जो रोल है, जो एंकर पोजीशन है, वो एक तरह से खत्म हो जाती है। आपको नहीं याद कौन सी फिल्म में कौन सा गाना आया बजा चला गया। इस दशक के गाने आखिरी दशक है जहाँ पर वो गाने रहते हैं। ये दशक बहुत पास है हम लोग के, हम लोग बखूबी वाकिफ हैं क्या हुआ 2000 के दशक में। लेकिन मोटे रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान से हमारे संबंध जो इस दशक में बिगड़ते हैं वो अभी तक नहीं सुधरे हैं। पार्लियामेंट पर अटैक होता है, एक बिल्कुल ट्रूप्स पे का मोबिलाइजेशन बॉर्डर पे अप्रत्याशित किया जाता है। उसके बाद मुंबई में जो अटैक होता है, जो टेररिस्ट हमला होता है, उसके बाद से अभी भी भारत और पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली रिकवर नहीं कर पाए, एक दूसरे के संबंध अभी भी वो पटरी पर नहीं ला पाए हैं। और 2002 में गुजरात में दंगे होते हैं जिसमें एक नए तरह का एक फिनोमिनन, श्री नरेंद्र मोदी उससे एक तरह से लाइमलाइट पे आते हैं और वो उनको कई मायनों में बिगाड़ता है, बनाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। यूपीए 1 का ये दौर है और उसमें शायद ये ध्यान देने वाली बात है कि कम्युनिस्टों के पास उस वक्त शायद 60 से ज़्यादा सीट थी लोकसभा के अंदर और सोशलिस्ट पार्टीज भी जो थी वो कांग्रेस के साथ आती हैं और उसका प्रभाव पॉलिसीज पे भी दिखता है। ये लोग वो लोग थे जो कि फिल्मी गीतों को सुन सुन के उसी भाषा पर गीत नहीं लिखते थे, जो कि शायद 1990 तक 2000 तक होता आया था। इनकी भाषा नई भाषा थी, छोटे शहरों की भाषा थी, उत्तर प्रदेश बिहार की बोली की भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी और भारतीय संगीत में इसने एक नया रंग दे दिया। ये 2011 और 2014 के बीच में एकदम सरकार का जो पतन होता है वो देखने लायक है। मुझे तो नहीं याद लगता कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी सरकार का पतन इतनी तेजी से हुआ हो। जो हमने देखा था इंटरनेट का समाज और राजनीति से जो चीज़ें शुरू होती हैं इसके पिछले दशक में, वो अब बिल्कुल परिपक्व हो चली हैं और बिल्कुल हमारे फैक्ट ऑफ लाइफ, हम लोग उसको फॉर ग्रांटेड मानते हैं। एक तरह से यूँ कहिए, हम इसको अगर कोई नाम दें तो ये एक प्रकार का सेल्फी युग है। जो सेंसस होता है 2011 का, उसमें शहरीकरण तो बढ़ता है लेकिन जिस पेस पे अब सामने आया है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो भले ही वो टाउन सी टाउन्स हों, डी टाउन्स हों, स्लम्स हों जिसमें लोग जाके रह रहे हैं, लेकिन गाँव को छोड़कर वो शहर की तरफ आ रहे हैं, ये ट्रेंड एक बहुत क्लियर हो गई। 2011 में हम वर्ल्ड कप जीते और 2016 में नोटबंदी हुई, जिसके बारे में शायद वो बच्चे गा रहे थे कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो ये रही इस किताब की और भारत की 2017 तक की कहानी और आगे के बारे में। अंकुर, एक सवाल हमसे कई लोगों ने पूछा कि साहब अगर आप 2018 के बारे में गाना लिखते तो कौन सा गाना लेते, तो ये तो जवाब, इसका जवाब अंकुर के द्वारा। परिणाम है सादर, पर तूने दी बस एक ही चादर, क्या ओढ़े क्या बिछाएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, दो रोटी और एक लंगोटी, एक लंगोटी और वो भी छोटी, इसमें क्या बदन छुपाएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे।